नमस्कार फ्रेंड, देखिए टुडे वी आर रिव्यूइंग द बुक ऑफ रेलवे सामान्य गणित, जो स्पीडी पब्लिकेशन की ये बुक है फ्रेंड्स। काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है आपके आने वाले देखिए तकनीकी एंड गैर तकनीकी पदों के लिए, ये परीक्षार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है। और इसमें आपको लगभग पूरे 10 ईयर के जो है प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि यदि आप 10 साल के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कर लेते हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। देखिए ये बुक मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपको दिखाना ज़रूरी समझा। देखिए इसमें जो है आपके जो आने वाले एग्ज़ाम है, सभी सिलेबस पे ही, सारे जो सिलेबस में जो दिया हुआ है चैप्टर आप देख सकते हैं RRB के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर जो सिलेबस है उसको देख सकते हैं। तो सारे सिलेबस के बेस पे ही ये दिया हुआ, देखिए संख्या पद्धति संबंधी प्रश्न, संख्या पर नंबर सिस्टम से सिंप्लीफिकेशन, सरणीकरण, घात एवं घातांकरणी है, वर्गमूल और घनमूल, LCM एंड HCF। तो सारे जो है आपके जो दिए हुए हैं रेलवे के एग्जामिनेशंस के सिलेबस में, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर वाइज आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड, ले सकते हैं आप इसको। आपके नियरेस्ट अगर बुक स्टॉल है तो वहाँ जो कंपटीटर के बुक जो लोग बेचते हैं वहाँ से, या अदरवाइज मैं इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आपको बेस्ट लगे। देखिए पहले तो आपको बहुत अच्छा सा बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर किया गया है, यहाँ पर सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया गया है। उसके बाद देखिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी मिल जाते हैं यहाँ पर, प्रीवियस ईयर के जितने भी RRB, देखिए ये गुड्स कार्ड्स में जो आए हुए हैं, RRB जो गुड्स कार्ड्स में है, भोपाल नॉन टेक्नीशियन में जो आए हुए हैं, पटना ASM एग्जामिनेशन, तो इस तरह करके आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो काफ़ी अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप। स्पीडी के रेलवे सामान्य गणित है, और यदि आप इसको पूरा कर लेते हैं और आपके पास टाइम है अगर, तो आप एक ई बुक को भी अगर कर लेते हैं तो मैथ में आपका जो है आई होप 99% आप श्योर हो जाएंगे, इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे। देखिए मैथ का ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक जो RS अग्रवाल के हैं उसको भी ले लीजिए, और सारे क्वेश्चंस मैंने ये इंग्लिश वर्सन का ले रखा है, आप हिंदी वर्सन भी ले सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, जो भी चैप्टर है उसमें का आप स्टार्टिंग का 1 to 20 कर जाइए, 1 to 20 कर जाइए, आप 1 से 20 तक कर जाइए सारे चैप्टर वाइज। देखिए LCM HCF के है, तो ये 2013 में एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से ही, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से उठा कर दे दिया था मैंने पेपर में देखा। तो इस प्रकार से जितने भी चैप्टर है इसके सारे, जितने भी चैप्टर से डेसिमल फ्रैक्शन सब के 1 to 20 कर जाइए, तो मैथ के लिए काफ़ी ये हेल्पफुल है। दोनों बुक लेना चाहते तो ले लीजिए और फटाफट अभी से स्टार्ट कर दीजिए। देखिए GK से तो काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन मैथ से भी इस बार लगभग कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पहले GK को कर लीजिएगा, जो टाइम बचेगा उसमें आप फटाफट मैथ को कर लीजिएगा, क्योंकि कटअप जो है देखिए आपको ओवरऑल सारे सब्जेक्ट पे ही बनेगा, तो सभी में अगर अच्छे आपके मार्क्स आ रहे हैं GK में, मैथ में और रीजनिंग में, तभी आप कॉटअप को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों यही था, ये बुक को रिव्यू कराना, अच्छी बुक है, ले सकते हैं आप। तो यही था, तब तक के लिए दोस्तों कीप वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।